धरती पर एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म इंसान के जीवन का सबसे सुंदर गहना है, यह सब कहना है आध्यात्मिक गुरु राधे माँ के अनुनायी के रूप में उनके साथ रहने वाले टल्ली बाबा का। सक्षम न्यूज इंडिया ने टल्ली बाबा से की खास बातचीत। बातचीत के मुख्य अंश। एक बार फिर सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह और आज हमारे साथ हैं राधे माँ के साथ हमेशा रहने वाले और आपके माँ के साथ आपने उन्हें देखा होगा टल्ली बाबा। पहले तो हम टल्ली बाबा से जानेंगे कि आपका नाम कैसे पड़ा टल्ली बाबा। जय श्री राधे माँ, जय माता दी। पहली बात तो मैं वो भी बिल्कुल बताऊंगा आपको और मैं जो शुरुआत करना चाहता हूँ, देखिये जैसे हमारे माँ जी का ज्ञान जो हमारे ममता में श्री राधे माँ जी है खंडवा में है, तो उनका सबसे फर्स्ट जो ज्ञान है माँ जी का कि सबसे पहले माँ बाप की सेवा, बाद में बारहवीं माँ की सेवा। अगर घर बैठे माँ बाप खुश हैं तो बारहवीं माँ भी खुश है। अगर हम घर बैठे माँ बाप को दुखी करके बारहवीं माँ के पास जा रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माँ जी हमेशा यही ज्ञान देते हैं, वो पहले खुद उस ज्ञान पर चलते फिर दूसरों को वो ज्ञान देते हैं। अब जैसे उनका दूसरा ज्ञान है जो लड़की अनमेरिड है, तब तक सब फैमिली उसकी, शादी के बाद भी फैमिली उसकी, कहता नहीं कि नहीं उसकी फैमिली, यानी कहने का मतलब जो राइट्स जो हक हैं वो उनके सास ससुर का, वो अपने सास ससुर को अपने मम्मी डैडी समझ लें, अपनी दरानी जेठानी को अपनी बहनें समझ लें, ना देखिए उस घर में क्लेश, ना द्वेष, ना झगड़ा, ना डिवोर्स न हो जाती है। ये हमारे माँ जी का फर्स्ट ज्ञान है। दूसरा, आप कहीं भी आप मंदिर में जाएंगे तो एक जो बहू है वो कभी भी अपनी सासू माँ की फोटो उस मंदिर में नहीं पाएंगे। फोटो की बात दूर की बात है, मगर बनती नहीं, सास की और बहू की बनती नहीं है। बट माँ जी ने प्रत्यक्ष हमको जो सिखाया, बताया है, दिखाया है कि एक भाई को बहन के साथ कैसे रहना चाहिए, मम्मी को बेटे के साथ कैसे रहना चाहिए, पापा के बेटे के साथ कैसे रहना चाहिए, बेटी के साथ कैसे रहना चाहिए, जितने भी रिलेशन है, जितने भी हमारे रिश्तेदारी है, सब माँ जी ने हमको सिखाया है कि बेटा कैसे उनके साथ जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि माँ जी का ज्ञान है ममता बस चिड़ी चोग चुकावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे, ममता ने बांधे सब प्राणी ब्राह्मण ढोंग जा रहा है, कि ममता जहाँ पर माँ शब्द आ जाता है वहाँ पर माफी आ जाता है। क्योंकि ममता जो है, ममता का ओरा होता है, तो जहाँ पर माँ का शब्द आ जाता है ना वहाँ पर सब सोने एकदम शांत एकदम चित्त होके। तो देखिए कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देव महेश, जो भी हमारे गुरु हैं वो ईश्वर तुल्य होते हैं। क्योंकि माँ का फर्स्ट ज्ञान है सबसे पहले माँ बाप की सेवा, बाद में गुरु की सेवा, फिर बाद में जिसको भी आप मानते हो उसकी सेवा। देखिए तीन प्रकार की सेवा होती है, एक तन की सेवा, एक मन की सेवा, एक धन की सेवा। तो जो सबसे श्रेष्ठ सेवा है वो तन की मानी, जैसे आप कहते हैं कि जहाँ पर संत महापुरुष गुरु के चरण पड़ते हैं वहाँ पर संगत के पाँव पड़ते हैं, वहाँ पर आप सेवा कीजिए, झाड़ू की, पोछे की, जूते पॉलिश कीजिए, लंगर कराइए संगत को, बर्तन साफ कीजिए, आपके जितने भी कष्ट ग्रह होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे करके। जो हमारे स्टार होते हैं वो उज्ज्वल हो जाते हैं। जैसे मैं फर्स्ट अपना बताता हूँ, क्योंकि माँ जी का यही ज्ञान है, जो अपना प्राण भक्त है वो कभी किसी को भूलना चाहिए, जो प्राण भक्त भूल जाता है वो कंकरों की तरह संसार में रुल जाता है। तो मैं सबसे पहले, हम लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसे हम लोग रेडियो लगाते थे, जैसे सुबह अमृतसरी छोले कुलचे पंजाब में बहुत फेमस हैं, फिर शाम को हॉट डॉग बर्गर टिक्की न्यूडल्स आइसक्रीम गर्मियों में, और सर्दियों में गुलाब जामुन और वेज रेल लेके हम लोग रेडियो लगाते हैं, जो रेखड़ी बोलते हैं बॉम्बे में, और पंजाब में हमारे रेडियो बोलते हैं, तो वो हम लोग करते थे। तो मैं 6 साल का था, मैं अपने ब्रदर की हेल्प भी करता था, स्कूल में भी पढ़ता था और बाद में पापा के साथ भी काम करता था, सेवा में जाते थे। तो हम लोग बहुत डाउन टू अर्थ, यानी कि हमारे पास कुछ था ही नहीं पहली बार। आज जो कुछ भी देख रहे आज सब राधे माँ जी की बदौलत है, राधे माँ जी की कृपा है हमारे ऊपर कि इस लाइक आज हम बन गए हैं। कहते ना कि कोई ऐसा मेंबर होता है कि जिसके कारण पूरा जो हमारा संसार होता है, घर होता है, वो डुबो देता है। कोई ऐसा सदस्य होता है कि जो सब परिवार को उज्जवल कर देता है, सब कुंडुब को तार देता है।
तो मैं माँ जी के शरण में आ गया। तो मेरे फादर जो थे उनका, जैसे वो मैं इधर निष्काम सेवा से पिछले 30 वर्षों से माँ जी के चरणों में है, पिछले 27 वर्षों से ये दरबार चल रहा है। तो माँ जी ने आज तक किसी से, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज उठ के बोल दे कि हमने किसी से 1 रुपए की मांग की। अगर कोई व्यक्ति सामने आके कह दे जो आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार, क्योंकि उल्टा माँ जी देते हैं, क्योंकि माँ जी सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्योंकि सिखों में ज्ञान दिया जाता है कि इस आपको क्या करें, इस आपको नहीं पता करना चाहिए। तो माँ जी उस पंथ पे चलते हैं कि करता कर, कहते करता जा पर देंदे न था। यानी कहने का मतलब है कि जैसे गुरु नानक साहब पातशाह जी जो पिता परमेश्वर है, माँ जी उनको पिता परमेश्वर मानते हैं अपने गुरु नानक देव जी को। तो उन्होंने भी जब वो अपने किराने की दुकान पे थे तो वो कनक गेहूं दे रहे थे सबको, तो वो 13 ज्यादा हो गया, 20 किलो हो गया, जितने बस 13 बस, उन्होंने अपना कभी नहीं कहा। तो ऐसे ही दादे माँ जी उस नक्श कदम पे चलते हैं, उनने कभी नहीं कहा कि मैंने किया है। आप खुद अपने मुख, अपने मुंह से बोलते हैं कि माँ आपकी कृपा होगी कि मेरा ये काम हो गया, और वो हंस के आप मुस्कुरा के क्या बोलेंगे, बेटा मैंने तो कुछ नहीं किया, जो भी किया तुम्हारी भक्ति ने कराया और ईश्वर की कृपा से हुआ। वो कभी भी अपने को क्रेडिट नहीं देते, वो हमेशा यही शिक्षा देते हैं, बेटा मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है वो तुम्हारी भक्ति के बदौलत हुआ है। सुनने में ये भी आता है कि अपने, आप अपने, मैं वो बता रहा हूँ, अपने कंटिन्यू रखते हैं कि लाइन टूट गई है ना। अब जैसे हमने इनको पूछा कि आपका टली बाबा कैसे नाम पड़ा ना, वो पहले मैं वो फिनिश करता हूँ, तो फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा ना। तो जैसे देवी माँ जी के दर्शन होते थे मेरे बाबा कजन के घर पे आए हुए देवी जी फगवाड़ा में, तो वहाँ पर माँ जी के दर्शन हो रहे थे, तो मेरी बाबी के घर पर कीर्तन हो रहा था। तब मैं जब 6 साल का था तो मेरे को लगा हमारी कुलदेवी माँ है चिंतपूर्णी माँ, और बचपन से हम चिंतपूर्णी माँ को मानते थे। अब जैसे हम चिंतपूर्णी माँ, माँ वैष्णो देवी माँ को मानते हैं, हमने कभी ये नहीं प्रताप किया कि माँ आप हमें चमत्कार दिखाओ तो हम आपको मानेंगे। लोगों ने बोला राधे माँ है, तो जब हमने राधे माँ के दर्शन किए तो हमारे को हमारे कुलदेवी के दर्शन हुए, हमारी माँ के दर्शन। कितने एक बच्चे को माँ, मरी हुई माँ का प्यार वापस मिले, उसको क्या खुश हुआ। मेरे बचपन में मम्मी ऑफ हुए थे, तो मैं राधे माँ के जब चरणों में गया, मैंने राधे माँ, राधे माँ मेरी मम्मी नहीं हुई, मैं आपके चरणों में रह सकता हूँ और आप मेरे को अडॉप्ट कर लीजिए और मैं आपका बेटा कह सकता हूँ, मैं आपको माँ कह सकता हूँ और मैं आपका बेटा बन के रहना चाहता हूँ आपके शरण में। बट फर्स्ट माँ जी का ज्ञान था, बेटा पहले पापा जी को पूछ रहा हूँ। तो मैं मेरे पापा जी के पास गया कि पापा जी ऐसे करके मैं राधे माँ जी के चरणों में जाना चाहता हूँ, अगर आपको कोई अतराज नहीं है, क्योंकि माँ जी का फर्स्ट ज्ञान यही है। तो मेरे पापा के उस वक्त के वर्ड थे कि बेटा तू साक्षात माँ के चरणों में जाना, तू बिंदा जा, मैं तेरी सपोर्ट पे खड़ा हूँ। तो वो दिन है, आज का दिन है कि मेरे को 30 साल हो गए माँ जी के चरणों में। फिर क्या हुआ, माँ जी के दर्शन चल रहे थे, दर्शन चलते चलते तो माँ जी सेंटर में थे, तो ऐसे गोल के तेरे में, जैसे अभी हम सब बैठे हुए हैं, तो ऐसे हम गोल के तेरे में बैठे थे और सेंटर में माँ जी विराजमान थे। तो मेरी अपने जून जुलाई के महीने में लोग ऊपर छत पे सोते थे रिश्ते, तो हम लोग सो रहे थे, तो मैं सोते सोते मेरी माँ जी 3 साल की तभी वो जलंधर से आए हुए थे, तो उसने ना मम्मा 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 उठो मेरे को दर्शन हो रहा काली माता के, तो बोले कहाँ पर हो रहे हैं, तो उसने ऐसा इशारा किया कि मेरे को, यानी कि मेरे भाभी कजन की तरफ, माँ में नहीं भाभी के कजन के घर पे उनको ऐसे दिख रहा है, उसने उंगली जब की तो हमने सोचा यार चलो देवी माँ जी शायद लीला कर रहे होंगे, तो हम उधर फटाफट जाते हैं। तो हम लोग 10-15 जने थे, मेरे सिस्टर 2 आई हुई थी और हम लोग बच्चे वगैरह आए हुए थे, सब लोग 15-20 जने फटाफट भाग भाग के वहाँ पर गए। तो बड़े पहले क्या होता था, जैसे पहले जाली का दरवाजा होता था, फिर उसके बाद लकड़े का दरवाजा होता था, तो मैंने बड़ी जोर से ठक 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 ऐसे खड़काया, तो माँ जी को बोला कि ये कौन है ऐसे बदतमीजी की तरह दरवाजा खड़का रहा है। तो मेरी भाभी ने बोला कि मैं देखती हूँ, तो भाभी ने अंदर से बोला बेटा कौन है तू, कौन खड़का रहा है। तो मैंने माँ तेरा, मैंने बोला भाभी तुम्हारा देवर हूँ तो दरवाजा खोलो। तो फिर उसने बोले मेरे को पहले प्रार्थना करनी पड़ेगी, माँ जी को अगर आदेश होगा तो मैं बुला सकता हूँ, ठीक है नो प्रॉब्लम आप प्रार्थना करो। और मैंने उनको हक से बोला कि नहीं आप प्रार्थना करोगे और माँ मेरे को आदेश देंगे आ जा। मैं उस वक्त 6 साल का था, एक विश्वास होता है ना, तो बिल्कुल अटल विश्वास होता है, तो उसमें कोई वो सुनी सुनाई बात में आपको जो फैक्ट है वो ही आपको बताऊंगा और उसके अलावा मैं कुछ नहीं आपको बताऊंगा। तो फिर जब मैं दर्शन मेरे को हुए माँ जी के, तो हम लोग भी ऐसे गोल के तेरे में बैठ गए, तो ऐसे बोलते बोलते जैसे आपका नंबर आया, भजन आप गा रहे हैं माता रानी के, फिर उसके बाद ये गा रहे हैं, ये गा रहे हैं, ये गा रहे हैं, ऐसे करते 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 मेरा नंबर आ गया। तो हमको शुरू से लगन था परमात्मा के चरणों में, क्योंकि हम लोग
भजन गाते थे माता के, जैसे चौकी जागरण कीर्तन होता था, बिन बुलाए वहाँ पर पहुँच जाते थे। तो किसी ने इन्वाइट किया तो भी ठीक है, नहीं तो फिर भी अपने आप भी पहुँच जाते थे। तो मैंने जी मेरे को आदेश हुआ माँ जी का कि चल बेटा भजन सुना, तो मैंने एक भजन शुरू किया, मैंने पार लगा दे माँ, मैं तमें तदरे कर दी। फिर सेकंड भजन बोला माई सोने का तेरा दरबार है। फिर तीसरा चौथा कंटिन्यू करते करते 10-12 भजन हो गए, तो माँ जी ने बोला बस कर टल्ली, तेरे को शुरू किया गया कि तू तो टल्ली की तरह खड़कने लग गया। हमारे पंजाब में टल्ली का मतलब होता है मंदिर की घंटी, हिंदी में इधर घंटी बोल देते हैं बॉम्बे में, और हमारे पंजाब में जो है वो टल्ली बोल देते हैं। टल्ली मीन्स जो परमात्मा की भक्ति में हर एक टाइम लीन रहना। बट बॉम्बे में टल्ली का मतलब जैसे कोई पी के पेट्रोल सो रहा है तो उसको टल्ली बोल देते हैं। बट जरूरी नहीं कि ये नशे वाली टल्ली होती है, कहते ना कि नशा चढ़ के उतर जाता पर मस्ती उतरती नहीं, क्योंकि कहते ना जब तू पीनी है तो पी सच्चे नाम वाले पी, तेन रोकता कहता सुबह शाम वाली पी। वो की फायदा आप एक बार पीती आप टेंशन से यार पी ली फिर उतर गई, फिर टेंशन हो यार फिर पी ला। तो यह मतलब आप दुनिया में पीन ना लो, एक परमात्मा के नाम की पीए तो आप कभी वह नशा उतर ही ना संसार। तो इसलिए जे इसका मतलब है टल्ली का मतलब घंटी मंदिर की। देखिए आप जैसे मंदिर में जाते हैं कोई भी मंदिर आप, वहाँ पर सबसे पहले आप क्या करते हैं जाके घंटी बजाते तो भगवान के दर्शन, इधर घंटी बजाते तो राधे माँ के दर्शन। तो जे माँ जी की देखा जाए तो राधे माँ की घंटी आपसे कहीं ना कहीं बिल्कुल जे माँ जी का आशीर्वाद है कि इस लाइक उन्होंने हमको समझा, कहते ना साहिब तुम मत हमारो बीसरो लाख लोग मिल जाए, हम संग तुमको बहुत है पर तुम समझ ना। इसका अर्थ है कि राधे माँ जैसा हमारे पास एक है, और हमारे जैसे आज एक टल्ली बाबा निकालेंगे। पहले टल्ली बाबा मेरा नाम था, अब माँ जी ने मेरे को प्यार से नंदी कहते हैं, अभी मेरा नाम नंदी जी है। तो मैं जब माँ जी के चरणों में बता रहा था आपको, तो कहते ना कि जैसे राधे माँ जैसे एक, आज एक नंदी जी निकालेंगे तो 100 नंदी जी आएंगे, 1000 नंदी जी आएंगे। आज उनकी कृपा हुई माँ जी की तो आज हम बैठे हैं। आज कितना कि आज माँ जी का हमारे सिर पे हाथ, आज सब इज्जत मान सत्कार कर रहे हैं, किसके बदौलत कर रहे हैं, राधे माँ जी का कारण कर रहे हैं। आज राधे माँ जी हाथ खींच लें तो हमको कुत्ते का हमारे घर वाले नहीं पूछेंगे, जो फैक्ट है, क्योंकि हमारे को सच बोलने में कोई दो बातें नहीं है। तो ये हमारा दिनचर्या कि माँ जी की सेवा में रहते हैं हमेशा। हाँ जब उनका आदेश होता तो हम दर्शन करने जाते हैं, अदरवाइज हम लोग नीचे रहते हैं। तो माँ जी के चरणों में रहते हैं पिछले 30 वर्षों से, पिछले 27 वर्षों से दरबार चल रहा है माँ जी का। तो भगत आते इस दरबार में, आपने भक्तों को पहले क्वेश्चन किया था है ना कि आपको क्या सिखाते हैं, तो कि क्या पैसे लिया जाता है या अमीरी गरीबी देखी जाता है, क्या होता है, मैं सुन रहा था आपकी बात। इस दरबार में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है वो भक्ति। आप जिसको भी मानते हो, देवी माँ जी का यही ज्ञान है कि आप मेरे को मानो, वो कहते हैं जिसको भी मानते हो सच्चे मन से श्रद्धा से परमात्मा को माने तो भगवान की कृपा आपके ऊपर हो सकती है। तो नंदी जी हम आपसे जैसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप 6 साल की उम्र से राधे माँ के साथ रहे, तो आपसे बेहतर मुझे लगता है शायद कोई नहीं जान सकता होगा जब उनके साथ आप रहे हैं। और जैसे आपको नाम भी एक मिल गया टल्ली बाबा करके, और नंदू जी, नंदी जी ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे से नाम भी है, जैसे अब टल्ली का आपने जैसे बताया मंदिर की घंटी, और नंदी जी कहा जाए तो शंकर भगवान से कहीं ना कहीं, बिल्कुल शंकर भगवान और पार्वती माता से जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह से अगर राधे माँ के ऊपर भक्त तो है, जिस तरह से हमने बात की, लोग बताते हैं कि जब वो उनसे मिले थे जब वो कुछ नहीं थे, लेकिन आज उन्हें जो मिला है वो राधे माँ की वजह से ही मिला है, कोई राय है। लेकिन जब कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत सारी बातें कही जाती है कि राधे माँ ने ये किया वो किया, तो क्या ये सब बातों में कितनी सच्चाइयां नजर आती है, कहाँ पे कौन से लोग होते हैं जो ये सब बातें करते हैं? जी अब जैसे आप पीछे टाइम आपने जब इंटरव्यू ली थी राधे माँ जी की, तो आपने प्रत्यक्ष देखा था है ना, मेरे को उसमें वो सवाई देने की जरूरत नहीं, मैं समझता नहीं हूँ, क्योंकि आपने जो प्रत्यक्ष देखा है वो बाहर निकालो। क्योंकि देखिए क्या होता है, अब आरोप कोई भी किसी पे लगा देता है, कल उठ के मैं बोलूँ कि आपने मर्डर कर दिया किसी का तो मेरे कहने पर साबित हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि कानून क्या मांगता है, पुख्ता सबूत मांगता है। अगर आपके पास एविडेंस ठोस है, सबूत है, प्रूफ है, तो ही आप गुनेगार मान सकते हो। अगर आपके पास सबूत नहीं है, आप आरोप किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं कि हाँ भी मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, हुआ कुछ भी ना हो। अब देखिए जिसने आरोप लगाया, पहले आप उसके अंदर जाके देखो वो कैसा बंदा है जो आरोप लगा रहा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, कि जो आरोप लगा पहले उसका तो देखिए कि कौन है वो,
जो कह रहे हैं कभी वो आया है इस दरबार में, जो आरोप लगा रहे हैं कि आके देखा क्या कि क्या हो रहा है। अब जैसे आप आए थे उस दिन चौकी पे, माँ जी ने आप देखिए राधे माँ जी की खुली किताब है, कोई भी पढ़ सकता है, उन्होंने किसी से कोई छुपाया नहीं है, जो उनके अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है उनके। जैसे कहते हैं ना कि पानी का गिलास है कांच का, जब उसमें पानी डालते तो आर पार दिखता है ना, नजर आए आर पार, तो राधे माँ जी वैसे ही हैं। तो उन्होंने आज तक कभी किसी से कोई धोखा कोई फ्रेड कोई कुछ नहीं किया। इस दरबार में सिर्फ भगवान की भक्ति कराई जाती है, आप जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान के तरफ ही आपको मोल्ड किया जाता है। अब मान लो जैसे आप शेरावाली माँ को मानते हैं तो आपको लक्ष्मी पुराण देखने के लिए देंगे कि आप लक्ष्मी पुराण देखिए या लक्ष्मी पुराण पढ़िए, ठीक है। आप अगर शंकर भगवान जी को मानते हैं तो शिवा पुराण आपको दिया जाता है कि बेटा शिवा पुराण पढ़िए, कि आपको बकायदा शंकर भगवान जी का जो जो उनके रहस्य हैं कि उन्होंने क्या क्या त्याग किया है तो आपको उसके बारे में नॉलेज बढ़ती है। जैसे कृष्ण भगवत हैं उनको ज्ञान दिया जाता है श्रीमद् भागवत पढ़िए, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वो कितने कि देखिए स्वर्ग नरक कुछ ऊपर नहीं, सब इधर है। जब हम भागवत में रुच जाते हैं, हमारा जब मन भीग जाता है भक्ति से ना, तो अपने आप अंदर से तरंगे निकलती हैं जो परमात्मा को कनेक्ट हो जाती हैं। अब जैसे राधे माँ जी हैं, अब जैसे आप सपोज करो आप कोर्ट में केस किया, अगर आप कोई अच्छा हायर एडवोकेट नहीं करेंगे तो वो आप केस हार जाएंगे अगर आप डायरेक्ट लड़ेंगे, ठीक है। तो वैसे परमात्मा जो है देवी माँ जी नहीं कहते मैं परमात्मा हूँ, वो कहते हम छोटे छोटे, वो सुप्रीम कोर्ट है ऊपर वाला परमात्मा, हम छोटे छोटे वकील हैं। तो जब हम गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु को जहां पर भी साथ देना है और ऊपर भी साथ दिलवाना है। राधे माँ जी ने क्या कहा, ना मैं साधु हूं, ना मैं संत हूं, ना मैं गुरु हूं, ओनली राधे माँ, वो भी अपने भक्तों और अपने बच्चों की, पूरी संसार को नहीं उन्होंने कहा मैं राधे माँ हूं, ना ही उन्हें पूरे संसार को मैं शक्ति हूं। वो बोलते हैं कि पढ़ने वाला ईश्वर है बट मेरा नाम हो जाता। और जो भगवान की भक्ति करते हैं, असली संत की पहचान क्या है, असली भगवान की पहचान क्या है, कि आप उसको एक रुपया देंगे वो तो भी बोलेगा भगवान तुम्हारा भला करे, आप दस देंगे तो भी बोला भगवान तुम्हारा भला करे, आप कुछ भी नहीं देंगे तो समझ लिया वो असली है, वो बोलेगा भगवान आपका भला करे। क्योंकि जो आपसे चीजें मांग रहा है तो वो आपको कुछ नहीं दे सकता, इसका मतलब वो बेगर है, वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा का रूप नहीं है। उन्होंने कभी भी राधे माँ ने ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, हम हमारी भक्तों की आस्था है, हम उनको अपनी माँ मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, तो उसमें दुनिया को क्या प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो नंदी जी हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जब उनपे बड़े बड़े जब होते हैं, जब कहीं ना कहीं जब होते नाव जब डूबने लगती है तो बड़े बड़े लोग भी उस नाव से हटने लगते हैं, तो जब उनपे आरोप लगना स्टार्ट हो गया, काफी कुछ उनपे बातें होने लगी, तो कहीं आपके पाँव भी टकमगाए थे कि अब मुझे हट जाना चाहिए, क्योंकि जब बोलते हैं कि जब एक लोग फंसते हैं नाव के तो सब डूबने के लिए डूबते हैं उसमें, तो आपके कभी पैर ऐसे टकमगाए? एक बेट में तो ज्यादा ही, जैसे आपने बोला कहते डूबतो को बचा लेने वाली तेरी नैया है, यानी कि मेरी नैया है तेरे हवाले, क्योंकि कहते ना जब तू मां बचाने पे आए आग से भी बचाकर दिखाए, अब तो तेरे बिन कोई ना देता दिखाई, मेरी नैया है तेरे हवाले। जब हमारी हमने डोरी राधे माँ के ऊपर रख दी तो हमारी कोई डूबती नहीं नदी ना, हमारी कहते ना कि बबर में फंसी है नैया ना हो जे डूब ना जाए, सहारा तुम अगर दे दो तो बब से पार जाएंगे, पकड़ लो हाथ राधे माँ का नहीं तो डूब जाएंगे। अगर राधे माँ जी हाथ छोड़ जाए तो हम डूब जाते हैं, राधे माँ जी हमारे सिर पे हाथ है, कहते ना कि पल्ले बन सच ते कोठे चढ़ के नच, जे राधे माँ जी का ज्ञान है, सत्यमेव जयति देव हमेशा सच्चाई की जीत होती, झूठ के पाँव नहीं होते, अगर हम झूठे होते तो आज हम अंदर होते, आज सच्चे आपके साथ बाहर खड़े और सीना ठोक के कहते हैं, और जो फैक्ट है वो बताने में हमारे को भी शर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। माँ जी हम उनको राधे माँ कहते हैं, अभी जैसे हम लोग सत्संग में कीर्तन में जाते हैं तो वहां पर बोलते हैं राधे 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 राधे, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग किसी ने समझा नहीं, राह दे जो रास्ते से भटक जाते उसको रास्ते डाल देते, जो टूट जाते उसको जोड़ देते। क्योंकि आज देखिए जैसे सतयुग था द्वापर था त्रेता था, वैसे कल युग है, जब सतयुग था द्वापर था त्रेता था तभी माँ बाप कभी बच्चों को अकेला तो दूर की बात थी, कभी माँ कभी बच्चे के तरफ पीट करके भी नहीं सोती थी, और एक इंसान तो
जायज बात है कि ऐसा होता था, बट एक जो जानवर होता था वो भी कभी अपने बच्चों की तरफ पीट करके नहीं सोते थे। आज कल युग का जमाना है, आज मम्मी का मुंह उधर है, बेटे का मुंह उधर है, बेटे का मुंह इधर है, पिता का मुंह इधर है, चारों दिशाओं में चारों के मुंह है। माँ जी का ज्ञान क्या है, कैसे हमको बोलते हैं कि राधे माँ, राह दिखाने वाली माँ राधे माँ, क्योंकि उनकी सबसे पहली सीख है कि दिन में आप बेटा, जैसे बेटा मान लो ऑफिस जाता है, पिता भी ऑफिस जाता है, बेटी कॉलेज जाती है, जब बेटी जॉब करती है, मम्मी हाउसवाइफ है जब मम्मी भी जॉब करती है, बट जब रात को सब इकट्ठे होके एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं ना, जो सुकून जो आनंद उस वक्त आता है ना, वो मैं कहता कोई करोड़पति भी होगा ना तो वो उसका आनंद महसूस नहीं कर सकता। देखो जिसके पास, देखो भगवान कमी क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति छोड़ देंगे तो हमारे को परेशानी आएगी, हमारे को बीमारियां लगेंगी, ठीक है, या कोई ना कोई डिफिकल्टी आएगी, कोई ना कोई दिक्कत आएगी। भगवान इसलिए एक ना एक कमी छोड़ता है। अब जैसे कोई अमीर है तो उसको चैन की नींद नहीं आती, वो दवाई खा के सोता है, कोई गरीब है तो उसको बेचारे को वो वैसे दूसरों को देख के जलसी आती है, यार इसके पास है मेरे पास नहीं है, तो भगवान एक कमी जरूर छोड़ता है। जैसे कुंती बुआ थी कृष्ण भगवान को, वो उनके कृष्ण भगवान जी के भगवान थे, उनकी बुआ थी, तो उन्होंने क्या बोला, कुंती भगवान ने, उन्होंने इतनी भक्ति की, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, वो दिन रात उनका जाप करती थी, जाप करते 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 उन्होंने वो लीन हो गए उनकी भक्ति में। तो कृष्ण भगवान जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, तो बोले कि बुआ वर मांगो, कि क्या वर चाहिए। तो बुआ जी क्या बोले कि हे भगवान आपने देना है तो मेरे को दुख दो। बोले अरे जे क्या मांग लिया। बोले कोई धन दौलत, कोई ऐशो आराम, कोई बंगला, कोई दौलत, कुछ भी मांगता है और आपने दुख क्यों मांगा। कहते देखिए भगवान, अगर मैं सुख मांगूंगी एक बार में मिलेगा, तो अगर मैं सुख मांगूंगी तो मेरे को देके आप मेरे से पीछे हो जाएंगे। अगर मैंने दुख क्यों मांगा है, कहते सुख भी मुझे पे रहे हैं, दुख भी मुझे पे रहे हैं, छोड़ो मैं किसे दाती, दोनों ही तुम्हारे हैं। जय राधे माँ जी का ज्ञान है, जो मैं आपको जितने भी बातें बता रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं इसका एल कुकर नहीं पता ये क्या है, ये माँ जी के आशीर्वाद से उनसे हमने ग्रहण किया है, उनकी कृपा से हमको जो उन्होंने ज्ञान दिया तो वो हम आपको आगे बता रहे हैं, नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम आपको बता सके इतनी अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि ये सब माँ जी के आशीर्वाद के कारण, उनकी कृपा के कारण जो आज हम आपको बातें बता रहे हैं वो सब माँ जी से ही सीखा है हमने, माँ जी से ही पाया है, इसलिए आपको हम ये बात बता रहे हैं। और दूसरा माँ जी का ज्ञान है, सबसे जो बड़ा ज्ञान है कि बेटा जो जमीन पे बैठते ना उसको कभी गिरने का डर नहीं रहता, जो ऊपर होते रहते ना वो आज भी गया वो कल भी गया। हमारे एक सिंगर थे माता जी, जो बहुत अनन्य सेवादार थे, मिक्का अपने उसका नाम था मिक्की सिंह, होशियारपुर से थे पंजाब से, तो उन्होंने एक बेट गाई थी कि मैनू मैं मेरी ना मारिया ताइयो दर गमा दे मल्ले माँ, मैं ज्ञान का अक्षर की जाना कुछ अंबला वजो फले नहीं, तेरे दर तो कोई दुदकार दा नहीं, तेरे जान के कोई मैनू मारदा नहीं, मैं नित बहाने गाने ली तेरे दर की हाजरी भरदा हाँ, मैं मंगता रहना मंगता ही मैं कुत्ता तेरे दर दा हाँ, नित भोंक भोंक के मैं नहीं तेरे दर की हाजरी भरदा। कि अब जैसे कोई आवारा कुत्ता है, हम उसको लठ भी मारते हैं, हम उसको पत्थर भी मारते हैं, तो क्योंकि वो आवारा है उसका कोई मालिक ही नहीं है, जिसके गले में मालिक का पट्टा है हम 10 बार सोचते हैं कि उसको मारेंगे, उसका मालिक डाडा तो निकल जाएगा कि हमको गाली देगा, हमको मारेगा, हम उसको क्यों नहीं मारते, क्योंकि उसके में पट्टा है मालिक के नाम का, और उसको क्यों मारते, क्योंकि उस पर मालिक का हाथ नहीं है, मालिक का पट्टा नहीं है, तो इसलिए हम उसको मारते हैं। तो जे माँ जी के जो इस ज्ञान के अनुसार चलता है ना, वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। जैसे मैं माँ जी के चरणों में आ गया, धीरे धीरे मेरे ब्रदर का फास्ट फूड खुला, हम निस्वार्थ निष्काम सेवा माँ जी के चरणों में करते हैं, उनकी कृपा के बदौलत आज मेरे पापा का कैटरिंग का काम है पंजाब में, और 250 से 300 लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं।